सब्सक्राइब करें हमारा चैनल न्यूज ब्रॉडकास्टिंग टीम, बेल बटन दबाएं और नोटिफिकेशंस पाएं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के लगातार चौथे मामले में दोषी पाया गया है। दुमका कोषागार से जुड़े मामले में आज रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए लालू यादव समेत 19 आरोपियों को दोषी करार दिया है। वहीं दूसरी तरफ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा समेत 12 लोगों को बरी कर दिया गया है। लालू प्रसाद यादव को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया था, मगर उनकी पेशी से पहले ही फैसला सुना दिया गया। हालांकि अभी तक सजा का ऐलान नहीं हुआ है। लालू यादव पहले ही चारा घोटाले के 3 मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। चारा घोटाले का ये चौथा मामला जिसमें दुमका कोषागार से 3,13,00,000 रुपए के गबन का है। इससे पहले सीबीआई की विशेष अदालत ने 5 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। चारा घोटाला से जुड़े चाईबासा केस में रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने 24 जनवरी को लालू यादव को दोषी पाते हुए 5 साल की जेल की सजा सुनाई थी, साथ ही 10 लाख का जुर्माना भी लगाया था। लालू के अलावा जगन्नाथ मिश्रा को सीबीआई की विशेष अदालत ने चाईबासा कोषागार से 35,62,00,000 रुपए का गबन करने के केस में ये सजा सुनाई थी। तभी से लालू यादव जेल में बंद है। अंकुर, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग टीम, दिल्ली।